हेलो दोस्तों, बोलो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? वेलकम है आपका, वेलकम है आपका नेचुरल ब्यूटी एंड ब्लॉग्स बाय सोनी में। हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। और आज है क्या बोलते हैं, आज कौन सा दिन है मुझे तो दिन याद नहीं है। और आप लोग कैसे हो? बुधवार। हाँ तो और बताओ आप लोग कैसे हो। और आज ब्लॉग स्टार्ट मैंने कर दिया है मॉर्निंग से ही, तो जो भी होगा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आप इसमें, इस ब्लॉग में आप गणपति बप्पा का विसर्जन भी देखेंगे और भी सारी चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो आप बने रहना इस ब्लॉग में और शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, और बहुत अच्छा लगेगा आपको मेरे गांव में कैसे मनाया जाता है, जो है गणपति बप्पा का जो विसर्जन होता है वो किस तरीके से मनाया जाता है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ना कई जगह पे रखे जाते हैं गणपति बप्पा, जिनको जिनको मतलब श्रद्धा होती है वो रखवाते हैं यहाँ पर, फिर उनका जो विसर्जन होता है तो सब जगह वो घुमाते हैं, तो वही आपको देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। और दिखाएँगे आपको क्या क्या चीज़ें हैं। और ये एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, कौन कौन है जो मेरे गांव का होम टूर देखना चाहता है? अगर देखना चाहते हो हमारे गांव का घर किस तरीके का बना है तो कमेंट जरूर करना नीचे कमेंट बॉक्स में, और जितने ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं कोशिश करूँगी दिखाने की, ठीक है ना? तो चलिए फिर बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। हाय दोस्तों, और अभी हो गया है 12 बजने वाले हैं और हम लोग सब लोग नहा धो चुके हैं। आप लोग देख लीजिए, हम लोग नहा चुके हैं, नाश्ता वगैरह अभी कर चुके हैं। और गोपाल जी के चीकू देख लो, गोपाल जी चीकू दिखाओ अपना, ये देखो ये गोपाल जी का चीकू है। और गोपाल जी का ये लेके आए हैं गोपाल जी, ये देखो, और बहुत प्यारा है ये, बहुत प्यारा है। अच्छा है गोपाल जी, दिखाओ आगे सबको, बताओ इसका नाम क्या है? बता नहीं। बता दो प्लीज। मौसी नहीं। अरे बता दो ना। नहीं पता। अरे प्लीज बता दो ना, इधर आओ, देखो सब तुम्हें बुला रहे हैं, इधर आओ। हाँ गोपाल जी इधर आओ प्लीज, इधर आओ। दिखा दो सबको चीकू, कह दो ये मेरा प्यारा चीकू। तो हम सब लोग नहा धो चुके हैं और खाना भी बन गया है, सब कुछ हो गया है। और खाने में बनाया है दाल रोटी करेले की सब्जी चावल, ये सब बनाया है। और अभी खाएंगे, रेसिपी शेयर नहीं कर पाई क्योंकि भूल जाते हैं रेसिपी शेयर करना आप लोगों से। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने एक वीडियो जो है क्या बोलते हैं, मैंने पूरा ब्लॉग अपना बना के रखा था, और हुआ क्या कि मैंने उसको जो है, मैं पावर डायरेक्टर से एडिटिंग करती हूँ, तो उसमें जो है पता नहीं क्या हुआ, मैं पावर डायरेक्टर में वो मेरे सारे जितने भी ब्लॉग मैंने एडिट करके रखा था, 2-4 ब्लॉग था, तो जो है डिलीट हो गया अपने आप। और समझ भी नहीं आया क्यों डिलीट कर दिया, बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन वो डिलीट हो गया। तो उसके बाद मैंने फिर से जो पावर डायरेक्टर है वो डाउनलोड किया जाके, तब जाके, और उसमें कोई भी वीडियो नहीं है, मेरा ब्लॉग ही नहीं है कोई जो मैंने एडिट करके रखा था। मुझे नहीं समझ में आ रहा ऐसा क्यों हुआ, आप लोगों को अगर पता है तो मुझे बताना। और सारे वीडियो डिलीट हो गए, और मैंने जो है गैलरी से भी जो वीडियो है सब डिलीट कर दिए थे, क्योंकि मैंने पावर डायरेक्टर में सेव करके रखा था पहले ही से अपलोड करके। तो मतलब एडिटिंग कर ली थी लेकिन उसकी अपलोडिंग नहीं की थी, जो अपलोड होता है ना वीडियो एडिटिंग करने के बाद, वो नहीं की थी हमने, क्योंकि जब हम एडिटिंग करते हैं ना तो थोड़ी सी कर ली फिर छोड़ दिया, थोड़ी सी कर ली फिर छोड़ दिया, ऐसे कर रहे थे। तो वो वीडियो पता नहीं क्यों डिलीट हो गए सारे के सारे, और मेरे 2-3 ब्लॉग चले गए इकट्ठे, और मैंने फाइल में से भी डिलीट कर दिए और सब चले गए, इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग थे। और कोई बात नहीं, फिर बन जाएंगे ब्लॉग, और कम से कम बहुत सारे ब्लॉग बना रखे थे, 5-6 ब्लॉग हमने बना के रखे थे। और क्योंकि दादी जो है मेरी एक्सपायर हो गई थी तो हमने कोई ब्लॉग डाला ही नहीं, ब्लॉग बहुत सारे बने हैं, बस प्रॉब्लम एक ही चीज़ थी कि नेट नहीं था, नेट की भी प्रॉब्लम थी क्योंकि एक ब्लॉग डालने में तो नेट चाहिए होता है, तो इस वजह से। और मैं किसी के ब्लॉग भी नहीं देख पा रही थी, तो चलो कोई नहीं, वीडियो है ब्लॉग है फिर से बन जाएगा, पर मेहनत बहुत लगती है एक ब्लॉग बनाने में। और देखो अभी सुबह के टाइम पे बिल्कुल धूप अच्छी खासी निकली थी, और अब देखो एकदम से बारिश शुरू हो गई, एकदम अंधेरा हो गया, मतलब यहाँ का मौसम ही मुझे समझ में नहीं आ रहा, एकदम से ठंडा हो जाता है और एकदम से धूप निकल आती है, और अब देखो एकदम से बादल हो गए, बारिश शुरू, सिर्फ 2-3 मिनट का फ़र्क लगता है और एकदम बादल आते हैं और बारिश शुरू।
इतना पानी बरस रहा है, मुझे अभी वैक्सीन लगवाने जाना था लेकिन अब हमें नहीं लग रहा हम जा पाएंगे। देखो बारिश होने लगी। चलो फिर आपसे मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, लंच वगैरह कर लें उसके बाद, ठीक है ना। ये देखो, ये देखो, देखो गोपाल जी को क्या कर रहे हैं गोपाल जी। अरे चलो ठीक है, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। आज मैंने सोचा थोड़ी सी बात ही कर लें आप लोगों से, तो ठीक है। और यहाँ पर आप गोपाल जी को देख सकते हो, ये जो है अपने चीकू से खेल रहे हैं और उसको खूब मारा पीटी, मतलब उसको जो है पिटाई कर रहे हैं उसकी, मतलब जैसे मन चाहा वैसे जो है खेल रहे हैं। आप देख ही सकते हो बहुत ही मज़े से खेलते हैं उसके साथ, और उससे खूब सारी बातें करते हैं गोपाल जी, और पूरे दिन इसको लिए घूमते रहते हैं। और इनका एक डॉगी भी है जो फेवरेट है इनका, वो भी लेकर ये सोते हैं, चीकू और डॉगी को लेकर सोते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पर ये देखिए गणपति बप्पा का विसर्जन वीडियो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहीं से निकलते हैं वो, तो आप देख सकते हो कितनी सारी भीड़ है, कितने सारे लोग हैं, बहुत अच्छे से डांस हो रहा है और गुलाल से जो है होली खेली जा रही है यहाँ पर गुलाल से। तो मैंने यहाँ पर जो है म्यूज़िक म्यूट कर दिया है क्योंकि यहाँ पे गाना चल रहा था देवा गणेशा देवा, जो गणपति जी का गाना है वो चल रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था और सभी लोग डांस कर रहे थे यहाँ पर। और लेडीज़ भी जो है आगे आगे, ये स्पीकर जो लगा होता है ये चल रहा था, उसके पीछे लोग चल रहे थे जो कि डांस वगैरह कर रहे हैं। उसके पीछे जो गाड़ी आ रही है ट्रैक्टर, उस पर जो है गणपति बप्पा जी हैं, तो अभी आपको दर्शन करने को भी मिलेगा और बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ऐसा होता होगा हर जगह, क्योंकि विसर्जन तो गणपति का होता ही है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज बारिश भी नहीं हुई थी तो अच्छी बात है ये। और ये जो गणपति बप्पा जो सिराए जाते हैं ये कुंडेश्वर में सिराए जाते हैं, वो भी आपको ब्लॉग जल्दी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत, मतलब गाड़ी रुक रुक के जा रही थी, यानी कि 5-5 मिनट तक रुक रुक के डांस हो रहा था, फिर जा रही थी फिर डांस हो रहा था इस तरीके से। और देखिए एक साइड में आदमी चल रहे हों और दूसरी साइड में औरतें भी, जो भी बच्चे हैं सब चल रहे थे। और ये देखिए हमारे गणपति बप्पा भी आ गए इनका, जो कि ये चारों तरफ घूमेंगे उसके बाद इनका विसर्जन किया जाएगा। तो अभी आप लोग इनके भी दर्शन कर लेना, मैं झूम कर दूंगी अभी यहाँ पे, तो आप देख लेना इनको भी। ये देखिए गणपति बप्पा के दर्शन कर लो आप भी, जय हो गणपति बप्पा। और ये देखिए इस तरीके से कुछ हमारे यहाँ पे मनाया जाता है गणपति जी का त्यौहार। और आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इस तरीके से। तो आप बताना दोस्तों आपके यहाँ ऐसा होता है क्या? और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखकर, और जब गाने बजते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, मन करता है कि डांस ही कर लो। और आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या? और जो ये देखो जो गणपति पप्पा जिस ट्रैक्टर पे हैं उसमें जो है प्रसादी भी बट रही है, पूड़ी सब्जी और हलवा ये सब बट रहा था साथ में, तो प्रसाद भी साथ साथ में देते जा रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाएं। और यहाँ पर देखिए शाम का समय हो रहा है और ये बेलपत्री का पेड़ लगा हुआ है हमारे यहाँ पर बिल्कुल हमारे घर के बगल में, तो सावन में बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। इस बेलपत्री से बेलपत्र तोड़ो ताजे ताजे और भगवान शंकर पर आप चढ़ाओ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो और मैं एक साइड में भी आपको दिखाती हूँ, तो ये बिल्कुल बगल में ही और यहीं पर एक नल लगा हुआ है, और ये है नीम का पेड़। उसके बाद देखिए ये जो है सामने से मैंने जो है बहुत दूर था, ये तुरई की बेल है जो कि मैंने बनाया वीडियो, मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगता है तुरई वुरई की वगैरह की बेलें वगैरह, तो मैंने आप लोगों को दिखाया इसीलिए। तो देखिए इसमें बहुत सारी तुरई लगी हुई हैं, लेकिन ये चढ़ी इस जगह पर है कि इसे कोई तोड़ ही नहीं सकता है, और गिराना ही पड़ेगा तभी तोड़ सकते हैं। और उसके बाद देखिए ये कॉलेज है, ये स्कूल है जिसमें हम पढ़ते थे, और इसमें मैंने इंटर तक यानी कि 12th तक मैंने यहीं पढ़ाई की है। और जो खिड़की आप देख रहे हो ना आगे वाली, यहीं पे मैं बैठती थी, मेरी जो सीट होती थी वो सिर्फ यहीं पे होती थी, और यहाँ से मैं अपनी मम्मी को देखती रहती थी कि वो क्या कर रही हैं, छत पे कपड़े फैलाने आई हैं क्या करने आई हैं, तो सारी खबर मुझे यहीं से रहती थी और मम्मी भी देखती रहती थी, मैं ज़्यादातर इसी खिड़की पर बैठती थी। तो ये देखिए मेरा स्कूल है, आप लोग भी देख लीजिए। और मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर किया जाए क्योंकि पुरानी यादें बहुत मतलब ताज़ा हो जाएँ, इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। तो ये मेरा स्कूल है जिसमें मैंने 12th तक पढ़ाई की है। और उसके बाद देखिए ये शाम का समय है और बंदर देख लो कितने सारे मंकी हैं, बहुत ज़्यादा, और मतलब कहीं भी बैठ के मतलब उनको झूला झूलना होता है मंकी को। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? और अभी बज रहा है शाम का 5:15 और हमने चाय वगैरह पी ली है, और अभी देखो मैंने ये वाला सूट पहना है। और अभी हम जा रहे थे थोड़ा सा बाज़ार मार्केट जा रहे थे थोड़ा सा चौराहे पर, तो जो है कुछ लेना था सामान, तो इस वजह से तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो का एंड कर दें, क्योंकि फिर हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, फिर दूसरे दिन एंड करना पड़ता है। तो मैंने कहा ब्लॉग बन ही चुका है तो एंड तो कर ही दें, क्योंकि बिना एंड के ब्लॉग सुना सुना रहता है। और आपको ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और आपको दर्शन कैसे हुए गणपति बप्पा की वो भी बताना। और
लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरा हर एक ब्लॉग देख पाएँ। और ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, और मिलते हैं एक ऐसे ही नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग और दिल से थैंक यू सभी को मुझे इतना पसंद करने के लिए, सभी को दिल से थैंक यू। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं मुझे बहुत मुझे प्यार करते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच, सभी को इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत ही मन खुश हो जाता है, तो उसके लिए थैंक यू। मेरी बहुत बड़ी फैमिली तो नहीं है यूट्यूब वाली, लेकिन मैं जितनी है उतने में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और हमेशा काम करती रहूँगी आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर एक नए ब्लॉग में मिलूँगी आपको, तब तक के लिए बाय बाय एंड अगेन फिर से थैंक यू फॉर वॉचिंग।